अब आपको पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है जिससे कि आप सबसे ज्यादा जल्दी याद रख सके। फाइव एलिमेंट बच्चे जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या? कोई भी बच्चा नहीं करता क्योंकि कल की क्लास अटेंड नहीं की। अभी इन बच्चों से स्कूल के बच्चे कर लेते हैं, आप फाइनली आप कर लेंगे। 16 अंगुल नीचे जा रहा है वाटर एलिमेंट, 12 अंगुल जा रहा है अर्थ एलिमेंट, डायगोनल जा रहा है तो एयर एलिमेंट, अपवर्ड्स जा रहा है तो फायर एलिमेंट, अंदर ही अंदर मुंह हो रहा है तो स्पेस एलिमेंट। आपको दो एलिमेंट याद रखना है। आपको स्टडी के लिए कब बैठना है? स्टडी मैं कह रहा हूं मत पढ़ो 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, सिर्फ 1 घंटे में ही काम हो जाएगा। यदि सही स्वर और सही तत्व में एलिमेंट में आप स्टडी करने बैठ जाते हैं तो आपकी न्यूरॉन ग्लियल कोशिकाएं उस समय आपकी सारी मेमोरी को रिकॉल करके डिपॉजिट कर लेती हैं अपने बैंक में। लेकिन यदि जिस समय एयर एलिमेंट चल रहा है उस समय यदि आप अपने पढ़ने स्टडी के लिए बैठ जाते हैं तो आपके साथ हवा की तरह उड़ जाएगा। पढ़ने बैठे तब याद है, पढ़ करके बैठ करके उठे कि सब साफ हो जाता है, कुछ आधा अधूरा याद रहता है सफा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बार पढ़ के ही याद हो जाता है, बच्चों देखा आपने, और कभी कभी कई बार पढ़े तो याद नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि हम गलत एलिमेंट में बैठ जाते हैं। तो अर्थ एंड वाटर आइडेंटिफाई कर लेंगे सभी बच्चे? हाँ, तो अर्थ एंड वाटर में ही आपको स्टडी के लिए बैठना है। अब स्टडी किस तरीके से करना है? स्टडी कोई भी टॉपिक की जब आप करेंगे, बुक उठाएंगे आप अपने बुक सेल्फ से, तो सबसे पहले अपनी नॉस्टिल को देखेंगे कि कौन सा नॉस्टिल एक्टिव है। जो नॉस्टिल एक्टिव है उस हैंड से ही आप बुक को उठाएंगे और जो एक्टिव होगी उस साइड में ही अपनी बुक को रखेंगे। समझ रहे हैं आप? जिस हैंड से उठाएंगे उसी हैंड से उस साइड में रख लेंगे अपने उस साइड में, और जब बुक को खोलेंगे तो बुक को खोल करके सबसे पहले उस टॉपिक को सगुण में मतलब इनहेल कर लेंगे उस टॉपिक के लिए, और इनहेल करके ही हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे।